गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 21 डेज चैलेंज। इस चैलेंज में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल जो आपके बालों को जड़ से काला कर देगा। अगर आपके बाल सफेद हो गए तो वो काले होने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप इस ऑयल को लगाएंगे तो आपके बाल फ्यूचर में जल्दी से वाइट नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये मत सोचना कि आप खाने में कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते रहो। खाना, डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हेल्दी डाइट इनटेक करनी है। जैसा खाएंगे वैसी रंगत आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, आपके बालों में दिखेगी, ठीक है। तो डाइट हर चीज में मैटर करती है। लेकिन इस ऑयल को लगाने के बाद आपको मार्केट में किसी भी ऑयल पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आपके बाल जो ऐसे करने से, कंघी करने से या रबर बैंड लगाने से जो एकदम से बाल आ जाते थे ना रबर बैंड में, तो वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। अगर आपको दो मुहे बालों की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, रोज बनाने का झंझट नहीं, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अगर आप मेरी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सी जो टन टन घंटी आइकन होती है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। गाइस इस बेहतरीन से ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा लीफ, ठीक है। इसमें हमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साइड के जो कांटे हैं उनको कट कर लेंगे। छिलका आपने इसका नहीं निकालना है, क्योंकि हम छिलके के साथ ही इसको यूज करेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल के साथ साथ इसके छिलके के भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जो आपको इस ऑयल को लगाने के बाद अपने बालों के अंदर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। एलोवेरा जेल क्या करता है, आपके बालों को बहुत ही ज्यादा शाइनी बनाता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन करता है, आपके हेयर की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है और आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है। इनफैक्ट अगर आप इसको यूज करेंगे तो इससे आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको हम छिलके के साथ ही कट कर लेंगे। इस तरीके से सेम आपने इसको कट कर लेना है, ओके। उसके बाद हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट रहेगा आंवला। आंवले आपने दो लेने हैं। आंवला इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर के लिए, आपके हेयर्स को नेचुरली काला करता है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, आपकी रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। और ट्रस्ट मी, आज का ये ऑयल ना, सबसे अच्छी बात है कि इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, और उसके बाद इसको दोबारा बनाना है, आपको बार बार बनाने का झंझट नहीं, और इतना इफेक्टिव है कि आपको मार्केट वाला कोई भी ऑयल यूज करना ही नहीं पड़ेगा। तो आपने लेना है इसके लिए आंवला, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इसको कद्दूकस कर लेंगे आप इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं अच्छे से घिस चुका है, ठीक है। इसको आप प्लेट में निकाल लीजिए। प्लीज मेक श्योर आपको इसमें से कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए हद से ज्यादा इफेक्टिव हैं। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके बाद उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें उसको रखना है। फ्लेम आपका बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रहेगा इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हमें ऑयल जो बनाना है, अगर आप तेज गैस कर देंगे तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सड़ जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम नारियल तेल। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 5 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या करता है, आपके बालों की थिकनेस को बढ़ाता है, आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है, आपके जितना भी हेयर फॉल हो रहा है उसको स्टॉप करता है। मतलब ये अल्टीमेट ऑयल बनने वाला है आपके बालों के लिए, और 21 डेज जो चैलेंज मैंने आपको दिया है, डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट जरूर करना। तो कैस्टर ऑयल में यहाँ पे 5 चम्मच ऐड करूंगी। आरएनडी का तेल आपको परचून की दुकान से या फिर केमिस्ट शॉप से इजिली मिल जाएगा। गैस आपका बिल्कुल लो फ्लेम पे रहेगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, नहीं तो आपका ऑयल जल जाएगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, 2 चम्मच मेथी दाना। स्पून का साइज मैंने ये लिया है, इतने चम्मच जो है इसमें मैंने 2 चम्मच मेथी दाना ऐड किया है, ठीक है। मेथी दाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है और साथ में आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देगा। आपके बाल बिल्कुल रेशम के जैसे मुलायम हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी। अलसी हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें ω3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ω6 होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट करता है, ठीक है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करके उनको शाइन देता है। तो हम इसमें अब ऐड कर लेंगे 1 चम्मच अलसी।
इसको हल्का सा हम 5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हल्का गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अपने बाकी के 2 इंग्रेडिएंट ऐड कर देती हूँ। गाइस, आपको इस ऑयल को लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है? गाइस, आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। एलोवेरा लीफ जो है इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, और बाकी इंग्रेडिएंट भी आप देखिए हल्के हल्के ब्राउनिश हुए, जले नहीं है। तो बस अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये ऑयल हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसमें जो झाग है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। आप गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस ऑयल को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं छन्नी की मदद से इसका सारा ऑयल जो है वो एक कांच के बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको एक कांच की शीशी में स्टोर करके रख दूंगी। देन डेली आपको इसको अप्लाई करना है। अब जान लेते हैं इसको अप्लाई करना कब है। आपको हफ्ते में 3 टाइम्स इसका इस्तेमाल करना है। सर्द होने से 1 घंटा पहले आप इसको अच्छे से, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप अपने पूरे बालों की लेंथ में, बालों की जड़ों में अच्छे से इसको अप्लाई करें और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मसाज दें। इससे क्या होगा, ये आपकी ऑयल जो है अच्छे से जड़ों में चला जाएगा और वो सारी गुडनेस आपके बालों में आ जाएगी। इससे आपके बालों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा ऑयल अच्छे से अपने बालों में लगा लिया है। देन इसको रबर बैंड से सिक्योर करें और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने बालों में आने वाला रिजल्ट मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर, इस वीडियो को इतना ही पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।